explain to you. Yeah. So we are given a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. सर्कुलर पार्क हमें गिवन है जिसका रेडियस 20 मीटर गिवन है, और उसके बाद हमें गिवन था कि इस सर्कुलर पार्क में तीन जो है बॉयज हैं, अंकुर, सईद एंड डेविड, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. तो हमने जो है उनकी पोजिशंस रिप्रेजेंट कर दी थी ए बी सी से. बॉयज हैं अंकुर, सईद एंड डेविड. तो लेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ अंकुर, बी इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ सईद एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ डेविड. अब क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं, तो जो इनको इनकी जो सिटिंग पोजीशंस हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा. अब यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से ये यहाँ पे मीट कर रहा है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जब ये लेके चलते हो, या आप अगर कहो कि ये हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये कर लिया. तो इक्विलेटरल क्योंकि ट्राइंगल है, जब ये रेशियो वन होगी तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी क्योंकि साइड्स भी इक्वल थी, तो सेम वही कल वाला कंसेप्ट लग रहा है हमारा. तो यहाँ पे ये हमने ज्वाइन कर दिया, रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर्स, और कुछ हमें गिवन नहीं है इसमें, तो बाकी सब हमें अज्यूम करके चलना है. व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ई फोन. हर फोन की जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमें निकालनी है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो कल वाला कंसेप्ट था वो यूज कर रहे हैं कि ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, ए बी और ए सी आपकी इक्वल कॉर्ड्स हैं. तो जब इक्वल कॉर्ड्स का जो आपका पॉइंट होता है ये वाला, इसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं वो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जब आप उसको एक्सटेंड कर दोगे तो वो कॉर्ड बी सी को जो है मिड पॉइंट पे म्यूट योर सेल्फ बेटे ध्रुव म्यूट तो जो है ये थर्ड वाली कॉर्ड को जहाँ पे ये मीट करेगा दैट विल बी द मिड पॉइंट. तो एम जो है दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो ए बी सी जो है वो हम मान लेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो वहां से जब ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ से परपेंडिकुलर हमने उस साइड ए पे मिला दिया, तो आपका जो ये है बी एम और एम सी जो है ये इक्वल आएंगे. तो बी एम और एम सी इक्वल आ रहे हैं, उसमें जो है हम यहाँ लेके चलेंगे सिंस द थ्री बॉयज आर सिटिंग एट प्लेसेस ए बी एंड सी. देयरफॉर ए बी डिस्टेंस ए बी या कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ले लो इसको, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड सी ए. तो ये तीनों कॉर्ड्स जो हैं वो आपकी इक्वल आ जाएंगे. अब क्योंकि तीनों कॉर्ड्स आपकी इक्वल हैं तो इट मीन्स ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब ए बी सी आपकी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई. यहाँ से जो है आपका ये लेके चलोगे आपकी इनकी जो साइड है वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी. तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
मीटर में ले तो भी, क्योंकि वो 20 मीटर हमें ऑलरेडी गिवन है रेडियस। अब यहाँ जो है हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पहले हम ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, ये वाला पार्ट आप शो करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो कि साई एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ 4 होगा 2 होगा, जस्ट टेल मी, √3/4 और √3/2? मैम √3/4 √3/4 और 2, इक्विलेटरल मैम, ट्राइंगल फोर एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, फोर इट विल बी मैम, फोर 4, ओके, √3/4 × sin। तो या आप ये डायरेक्ट यूज करो, या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे ले सकते हो कि जो आपकी ट्राइंगल है उसको आप लेके चल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करवा रही हूँ मैं एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उससे पहले जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो 2x आ गई। अब यहाँ से BM = L, मैम साइड 2x कैसे आई? बेटे एज्यूम की है, आप चाहो तो एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे हाफ ले लेंगे तो वो x/2 से कैलकुलेशंस थोड़ी सी लगता है मुझे कि बच्चों के लिए मुश्किल होंगी, इसलिए मैंने इसको 2x लिया। तो जब आप इसका हाफ करोगे आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको x भी मान के चल सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, यस मैम, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि m मिड पॉइंट है BC का, therefore BM = MC = ½ of BC, यानी कि that is x m। तो ये हमारे पास आ गया x, ये मेरे पास है 2x, और ये आप निकाल लो। तो ट्राइंगल ABM में आप पहले AM या तो निकाल लो, या फिर आप जो है डायरेक्ट इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि जो हमारे पास है एरिया ऑफ इक्विल एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट इज √3/4 × sin। तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ यहाँ पे AM = √3/4 × sin। इज इट करेक्ट? हाँ जी, मैम वहां पे एक्स आएगा कहाँ पे बेटे? मैम, 2x की जगह। बेटे मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो आपने मुझे बताया था ये यूज कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों ने क्या गड़बड़ की है। अच्छा, आप लोगों ने कहा √3/4 × sin, तो साइड हमने ट्राइंगल की 2x मानी थी, दैट्स व्हाई आई हैव पुट द वैल्यू ओवर हियर एज 2x। तो अगर इन केस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होता, अभी आपको पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ की है आपने। अब अदरवाइज क्या है, अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करना चाहते तो राइट ट्राइंगल ABM में, सो आई वुड लाइक कि यू गो फॉर दिस वन, क्योंकि अदरवाइज आपको अभी पता लग जाएगा आप क्या गलती करने वाले हो। सो इन राइट ट्राइंगल ABM, राइट ट्राइंगल ABM में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, इसके अपोजिट विल बी द हाइपो, दिस विल बी द बेस। यहाँ क्योंकि हम BM के साथ डील कर रहे हैं तो हम x लेके चलेंगे, और AM की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हम वो निकाल रहे हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB² = BM² + AM² so this is equal to AB, that is 4x² = BM, यानी कि x² + AM² हम निकाल रहे हैं। so this is 3x² = AM² AM कितना आ गया आपका √3x। अब देखो आपने जो मुझे फॉर्मूला बताया था उससे आपका जो AM आ रहा है दैट इज √3/2x, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज किया था, और यहां से जो हमने AM निकाला दैट इज √3x। सो आर यू एबल टू फाइंड आउट योर मिस्टेक इन दैट फॉर्मूला?
मैम फोर की जगह टू आना था। यस, एल्टीट्यूड में दिस इज रूट थ्री बाय टू, जब आप एरिया लेके चलते हो एट दैट टाइम इट इज रूट थ्री बाय फोर। तो ये ध्यान रखना है आपने, नहीं फॉर्मूला आता, फॉर्मूला में डाउट है तो गो फॉर दिस मेथड। तो आई वुड प्रेफर कि इफ यू गो फॉर दिस मेथड, अदरवाइज यहाँ से ये वैल्यू आपकी रूट थ्री एक्स, नो डाउट कि इसमें टाइम आपका सेव हो जाएगा, बट फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप डायरेक्ट मत यूज करो, क्योंकि मुझे वही रहे कि आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, सो यू गो फॉर दिस दीज स्टेप। तो इसके बाद यू गो फॉर दिस स्टेप। यहाँ पे हमारे पास ए एम आ गया रूट थ्री एक्स। अब हमें निकालनी क्या है, साइड निकालनी है, दिस वन। यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज अब सेकंड जो हमारी यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रही है, सेकंड वाली राइट ट्रायंगल बन रही है हमारी ये ओ बी एन। तो इसमें अगर मैं ये एक्स जो है ले लूं, ओ बी मेरे पास मुझे 20 गिवन है, और ओ एम को हम कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एम माइनस ए ओ। ए एम जो है वो हमने रूट थ्री एक्स यहाँ पे निकाल लिया है, ओ ए इज अगेन द रेडियस, वो 20 हमें गिवन है, तो हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी रह जाएगी दैट विल बी एक्स ओनली। तो एक्स जो आपकी अननोन क्वांटिटी होगी उससे आप आगे अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सार्थक, एनी डाउट इज देयर देन इट्स फाइन, अदरवाइज दैट्स गुड। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ए एम है उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस वाले राइट ट्राइंगल को लेके चलेंगे, इस वाले राइट ट्राइंगल में हम क्या लेके चलेंगे, ये हमें ओ बी रेडियस गिवन है 20, बी एम एक्स हमने माना है, ओ एम जो है वो अननोन क्वांटिटी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओ एम को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो मैं पहले कन्वर्जन बता देती हूँ आपको, देन वी विल apply the Pythagoras theorem. Now, OM जो है that is equal to, OM क्या है आपका, ये मुझे AM given है और ये point है मेरा O. AM में से अगर मैं OA subtract कर दूं तो I will be left with OM. तो यही हम करेंगे, AM minus AO. ए एम हमने कैलकुलेट कर लिया है रूट थ्री एक्स, और ए ओ हमें गिवन है 20। तो ओ एम की वैल्यू भी मेरे पास एक्स की फॉर्म में आ गई, क्या आ गई, ये रूट थ्री एक्स माइनस 20। यहाँ आप लिखोगे नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि यहाँ आपको वो गिवन नहीं है। तो ओ एम आ गई रूट थ्री एक्स माइनस 20। अब हम इन ट्राइंगल OBM पाइथागोरस थ्योरम दोबारा से लगाएंगे, सो 90 के अपोजिट विल बी द हाइपो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, OB इज 20, OM रूट थ्री एक्स माइनस 20, इसको वन ले लो, फिर यहाँ मेंशन कर देना रूट थ्री एक्स माइनस 20 होल का स्क्वायर प्लस एमबी, एमबी कितना है एक्स, तो यहाँ पे यूजिंग मुझे ना समझ नहीं आती, काम करते करते आप लोग अनम्यूट कैसे हो जाते हो। 20 का स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस 20 स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है, जस्ट टेल मी एक्स स्क्वायर, यस इट शुड बी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से एक्स की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा आपका, डू द कैलकुलेशंस।
गुरजात यू विल गिव मी द आंसर बेटे, एक्स की वैल्यू आप मुझे बताओगे स्टेप्स ये सारे। हरी अब बी क्विक ऑल ऑफ यू, अब ये नहीं कि मैंने गुरजाब को कह दिया तो बाकी छोड़ ही दो आप कैलकुलेशंस करनी, मैं किसी और से भी पूछ सकती हूँ। दिस मच टाइम बेटा, जल्दी करो, बी क्विक। एनीवन एल्स हु हैज डन? चलिए 20 स्क्वायर कितना आया? 400। यहाँ पे हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, दैट इज रूट 3x² प्लस माइनस 20² माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 3x इनटू 20, और ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज 400 इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर इज 3, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है ये ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस 20 का स्क्वायर इज अगेन 400, दिस इज 22 आर 40, रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर। 400 और 400 दोनों ओपोजिट साइड पे विद इक्वल साइन थे, सेम साइन थे, तो वी हैव कैंसल्ड। 3x² प्लस x² इज 4x² माइनस 40√3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40√3 जो है दैट इज इक्वल टू 40√3x भी है इसके साथ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 4x rather we can take common। सो फैक्टर्स बन गए ये हमारे पास 4x into x minus 10 root 3 and both of these products are equal to 0. जबकि नहीं, दो numbers का product equal to 0 होता है, means या first वाला number 0 या second वाला number 0 या दोनों के दोनों 0. तो इसका मतलब क्या है, या तो 4x आपका equal to 0 होगा या 4x x minus 10 root 3 जो है that will be equal to 0. So 4x equal to 0 means x is equal to 0 which is rejected, क्योंकि साइड जो है हाफ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव का सिंबल है ये आपका, एंड एक्स माइनस 10√3 से एक्स आ गया हमारे पास 10√3। अब एक्स की वैल्यू 10√3 आ गई, साइड ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो था हमारे पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन दैट इज इक्वल टू द side of the triangle, so length of each string is equal to side of triangle equal to 2 times 10√3. side of the triangle हमने 2x ली थी, so this is 20√3 meters। सेम क्वेश्चन यू कैन डू विद अदर मेथड ऑल्सो, दोनों में से आपको जो इजी लगेगा मेथड यू कैन फॉलो दैट। यहाँ हमने ये कर लिया, हमने क्या सिंपली यूज किया, हमने पहले इसका एल्टीट्यूड निकाल लिया √3/2 इंटू साइड से, देन हमने ये ओ एम की वैल्यू कन्वर्ट की यूजिंग दैट एल्टीट्यूड की जो वैल्यू आई थी, और फिर हमने इसमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, उसका डबल किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, दैट यू विल ट्राई योरसेल्फ, मैं सिर्फ आपको उसका हिंट दे रही हूँ, नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस टुमॉरो।
सेकंड मेथड के लिए देखो क्या करोगे, अगेन इसकी साइड आप 2x अज्यूम कर लोगे। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी रूट 3/4 साइड स्क्वायर, तो दैट विल बी रूट 3x स्क्वायर। अब जब आप ये सेंटर से इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये तीन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगी। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगी, क्योंकि ये रेडियाई सेम होंगे, दो साइड्स रेडियस वाली सेम होंगी और थर्ड जो कॉर्ड वाली लेंथ है दैट विल आल्सो बी सेम। तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे। तो ये साइड मेरे पास 20 है, ये साइड मेरे पास 20 है, ये साइड मेरे पास 2x है। तो यहाँ पे आप इसका एरिया निकाल लोगे। जब आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा तो आप इन तीनों का एरिया निकालने के लिए इस वाले एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्योंकि ये सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला एरिया और जो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला है वो दोनों आपके इक्वल आएंगे। तो उनको यूज करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगे यू कैन गो फॉर दैट, ये वाला भी ट्राई कर लेना। यहाँ पे आपके पास 3 साइड्स हैं तो यू कैन यूज हिरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया, और अदरवाइज आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी ट्राई कर सकते हो। दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो परपेंडिकुलर वाला मेथड अगेन घूम फिर के वही उस वाले मेथड पे आ जाएगा। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द मेथड्स जो आपको इजी लगते हैं। तो उसमें अगेन मतलब क्या होगा कि यहाँ इस वाले का एरिया आप उस तरीके से निकाल लोगे, हमने एल्टीट्यूड को यूज करके दिया है। तो दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 10.5। उससे पहले इस वाले मेथड में इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया है, इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस मेथड देन यू कैन आस्क। मैम हमने दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको इक्वेट करना है। तीनों का बेटा, हाँ पहले बड़े वाले का निकाला फिर छोटे वाले तीनों का सम निकाला और फिर इक्वेट कर देते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट्स कॉन्सेप्ट कि एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड और एन आर्क वो हमेशा डबल होता है देन द एंगल फॉर्म्ड ऑन द ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। दोबारा से एक बार मैं बता रही हूँ आपको, ये क्विकली आई विल टेक दिस। ये हमें सर्कल गिवन है, दिस इज द कॉर्ड गिवन टू अस। तो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स से एंगल बनेगा सेंटर पे दैट विल बी डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये एंगल मेरा 2x है तो दिस एंगल विल बी x, ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा। तो सेम वे में यहाँ पे अगर एंगल जो है तो इस साइड पे, बस ये ध्यान रखना है ये एंगल है तो इसका सेम उस साइड पे बनेगा। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो ये वाले एंगल की, तो ये वाले एंगल से ये ज्वाइन करते हुए ओपोजिट, अगर ये एंगल आप इस साइड पे ले रहे हो तो ओपोजिट साइड पे, ये एंगल हम लाइंस के इस तरफ ले रहे थे तो ओपोजिट साइड पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा था। और सर्कमफेरेंस वाला एंगल हमेशा हाफ होगा, सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइज 10.5 का। We are given in the figure ABC are 3 points on a circle with center O in which angle BOC. अब इसमें हमें figure already given है। देखो हमें एंगल बी ओ सी गिवन है 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी गिवन है 60 डिग्री, और मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। तो सिंपली हमने क्या चेक करना है इन क्वेश्चंस में एंगल निकालने के लिए, कॉर्ड सेम चेक कर लेंगे। तो ये वाला जो मेरा एंगल जो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है
दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एसी, ये कॉर्ड एसी से बन रहा है। तो अब एसी कॉर्ड का सेंटर पे एंगल मैं चेक कर लूंगी, तो एसी कॉर्ड का सेंटर पे एंगल ये पूरा बन रहा है, यानी कि 60 + 30 दैट इज 90। अब एंगल जो है एट द सेंटर दैट इज 90 डिग्री, यहाँ पे आप लिखोगे तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल जो है दैट विल बी हाफ ऑफ 90, यानी कि 45 डिग्री। यस अर्शदीप, एनी डाउट बच्चे? नो मैम, ओके अब देखो, एंगल ए डी सी वी हैव टू फाइंड आउट, गिवन टू प्रूव इसमें क्योंकि सॉल्यूशन है तो वी नीड नॉट राइट डाउन। एंगल ए डी सी जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए सी, एंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए सी इज 3 angle AOC, so also angle AOC जो है that is equal to angle AOB plus angle BOC। AOB हमें गिवन है 60 डिग्री, BOC हमें गिवन है 30 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री, तो angle AOC हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब angle ADC जो है दैट इज द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, angle ADC इज द एंगल ऑन द पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल therefore angle ADC is half of AOC। यहाँ पे रीजन मेंशन कर दोगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ, या एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ इज हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर। By the same chord, chord word बीच में ऐड कर लेना ऊपर भी। एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल बाय अ कॉर्ड इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड, तो angle ADC इज हाफ ऑफ angle AOC। angle AOC की आप वैल्यू पुट कर देंगे and this will be 45 degree, so angle ADC jo hai that is equal to 45 degrees, so this is your first question। if any doubt is there in this question, koi step nahi samajh aaya to aap pooch sakte ho, simple tha वैसे ये। हमें एंगल सी ओ बी 30 डिग्री गिवन था, बी ओ ए जो है वो 60 डिग्री गिवन था, ए डी सी की वैल्यू हमने निकालनी थी। सर्कल में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपने पहले यही चीज चेक करनी है कि एंगल एट द सेंटर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है। तो अब ये चीज हमारी यहाँ पे बन रही थी, ये एंगल एट द सेंटर बन रहा है बाय द कॉर्ड ए सी, और ये एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट है अगेन बाय द कॉर्ड ए सी, तो उसका हाफ हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। So this is your question number one. Now moving on to question number two. Question number two भी इसी तरीके से है। Question number two में हमें given है, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. एक circle हमें given है, उसकी जो chord है that is equal to the radius of the circle. तो जब आपको ये given है कि chord radius के equal है, chord radius के equal है मतलब अब वो आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सो गिवन है हमें कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये हमने सर्कल बना लिया, ये हमें इसका रेडियस गिवन है. मैंने इसको मान लिया कि ये ए बी है, तो अब मुझे गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी. कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस. अब जब कॉर्ड इक्वल टू रेडियस है तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई. तीनों साइड्स इक्वल हो गई मींस दिस इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सेंटर पे जो हमारा एंगल बना दैट इज 60 डिग्री. अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. अब इसके लिए आपको जो कंसेप्ट है माइनर आर्क और मेजर आर्क का वो पता होना चाहिए. मेजर मींस बड़े वाली, तो दिस इज योर मेजर आर्क. एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑन दिस आर्क निकालना है. दूसरा दिस इज द माइनर आर्क, दूसरा एंगल मुझे इस पे निकालना. अब यहाँ ध्यान देना, ये एंगल जो है रेडियाई के बीच में, दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री. ये मुझे कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है. अब क्योंकि ये बन रही है इधर, ठीक है, ये 60 है, तो इसका जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो ओपोजिट साइड पे बनेगा. ये एंगल जिन रेज के, जिन लाइंस के बीच में है, उन लाइंस के दूसरी तरफ बनेगा. एंगल लाइंस के इस तरफ था, तो जो ये वाला एंगल बनना है इसका हाफ होगा. ये ध्यान रखना है बस आपने. अब ये मुझे 60 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया सी, तो एंगल ए सी बी क्या आ जाएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री. अब सेम वे में हमने करना है माइनर आर्क पे एंगल निकालना है. माइनर आर्क के लिए देखो, माइनर आर्क के लिए ये एंगल लेके चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है. तो माइनर आर्क के लिए, क्योंकि ये एंगल मेरा 60 डिग्री था, फुल एंगल मेरा 360 बनता है, तो ये कितना हो गया 300 डिग्री. अब ये एंगल 300 है. अब यहाँ फिर से ध्यान दो, ये रेडियाई है, इन पे मतलब इनसे जो हम एंगल बन रहा है वो ले रहे हैं, तो एंगल इनके इस साइड पे है, तो इट मींस जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो इन साइड्स के इस साइड पे बनेगा, यानी कि ये एंगल बनेगा. तो ये अगर मेरा 300 है तो ये इसका हाफ, यानी कि दिस विल बी 150 डिग्री. तो ये पॉइंट मैंने डी ले लिया. एंगल ए डी बी जो है दैट इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, एंड एंगल ए सी बी जो है दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. ये एंगल क्योंकि आपका 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल का हाफ करोगे तो दैट विल बी 150 डिग्री. सो दिस इज योर होमवर्क मैम, पार्ट. वो माइनर आर्क पे डिपेंड करता है कि माइनर आर्क किस तरफ है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल. जहां बस ये ध्यान रखना, जो आर्क आपकी मेजर वाली ले रहे हो उसमें एंगल एक्यूट बनेगा, जो माइनर आर्क ले रहे हो उसमें एंगल आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर टू में इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. ये क्वेश्चन टू का फिगर आपको गिवन था, हिंट मैंने दे दिया है. दिस इज योर होमवर्क पार्ट, नाउ यू आर टू डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री में वी आर गिवन, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री. ओके, इसमें क्योंकि हमें जो है एंगल ओ पी आर निकालना पड़ेगा. पहले मैं वैसे बता देती हूँ आपको, तो बट डिटेल में हम डिस्कस कल करेंगे, मैं समझा देती हूँ आपको. हमें इसमें गिवन है सर्कल गिवन है और एक कॉर्ड गिवन है पी आर. उसके बाद ये सेंटर गिवन है और ये वाला एंगल हमें निकालना, और इसके साथ हमें क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर 100 गिवन है. हमें सर्कमफ्रेंस वाला एंगल ये 100 गिवन है. अब देखो ये वाला एंगल जो है, अगर मुझे 100 गिवन है तो इट मींस इसके ओपोजिट साइड पे ये वाला एंगल इज 200. ये 200 आया, तो क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो इस वाले में क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, ये दोनों सेम एंगल्स बनेंगे, थर्ड एंगल में निकाल. थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, ये 200 है, फुल एंगल 360 का बनता है,
तो ये एंगल आ गया मेरा 160 का। अब ये 160 है, ये दोनों आपके इक्वल एंगल्स हैं और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इनके एंगल्स का सम विल बी 180। तो ये 160 है यानी कि इनका सम विल बी 20, बट दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल ओ पी आर आपका आ जाएगा 10 डिग्री। दिस वी विल डिस्कस टुमारो, कल डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। जिनको समझ आ गया है दे कैन ट्राई दिस, अदरवाइज कल फिर से डिस्कस। मैम वो 200 कैसे आया ऑब्ट्यूस एंगल? बेटे ऑब्ट्यूस यहाँ 200 आया कि ये आपकी साइड्स बन रही थी, साइड्स के इस साइड पे आपको अगर एंगल सर्कमफ्रेंस पे 100 गिवन है तो सेंटर पे उसका डबल बनेगा 200। ठीक है? यस मैम। ओके बच्चे, इफ एनी अदर डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग।